दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं तो आप मेगालोडॉन और टाइटनोबोआ से भली भांति परिचित होंगे। हमारे चैनल पर मेगालोडॉन और टाइटनोबोआ दोनों की ही वीडियो उपलब्ध हैं, और इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। जो लोग मेगालोडॉन और टाइटनोबोआ के विषय में नहीं जानते, वे सिर्फ इतना समझ लें कि मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी और टाइटनोबोआ इस धरती पर रह चुका सबसे बड़ा सांप था। मेगालोडॉन का सबसे पहला सबूत तब मिला जब वैज्ञानिकों ने 7 इंच लंबे दांतों का फॉसिल खोजा, और इन दांतों की मदद से जब मेगालोडॉन के जबड़े को बनाया गया तो वे बेहद विशाल और खतरनाक था। वे इतना बड़ा था कि 3 इंसान आराम से इसमें समा जाएं। वही टाइटनोबोआ का सबसे पहला सबूत साल 2009 में कोलंबिया में मिला। वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे से एक 42 फीट लंबे सांप का फॉसिल मिला, और इंसान यह देखकर हैरान हो गया कि धरती पे कभी इतने बड़े सांप भी रहा करते थे। मेगालोडॉन करीब 2.5 करोड़ साल पहले रहा करते थे और 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। वही टाइटनोबोआ इस धरती पे 6 करोड़ साल पहले रहा करते थे, और मेगालोडॉन के आने से पहले वे धरती से खत्म हो गए, जिसका मतलब है कि इन दोनों विशालकाय जीवों की कभी भी भिड़ंत नहीं हुई होगी। लेकिन क्या होता अगर टाइटनोबोआ और मेगालोडॉन एक ही समय पर जीवित होते और आपस में दोनों की लड़ाई हुई होती? क्या टाइटनोबोआ सांप धरती पर रह चुका सबसे खतरनाक शिकारी को मार सकता था? आप लोग अपनी राय भी कमेंट जरूर करें। मेगालोडॉन के दांतों की लंबाई 7 इंच थी, और वे अपने जबड़े से 8 मैट्रिक टन के प्रेशर से वार करा करती थी। इतना प्रेशर एक लोहे के भी टुकड़े कर सकता है। मेगालोडॉन का शरीर ठीक आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह होता था, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, जो कि इन्हें एक शक्तिशाली स्विमर बनाती थी। मेगालोडॉन समंदर में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरा करती थी। मेगालोडॉन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे अपने शिकार पे नीचे से नहीं बल्कि साइड से वार करा करती थी, जिसके कारण कोई भी जीव के लिए मेगालोडॉन से बचना नामुमकिन हो जाता था। वही टाइटनोबोआ ठीक आज के एनाकोंडा की तरह दिखते थे, लेकिन साइज आज के सांपों के मुकाबले कहीं विशाल हुआ करता था। एक आम सांप की तरह ही टाइटनोबोआ भी अपने शिकार की विंड पाइप तोड़ के उसकी सांस रोक दिया करते थे, और तब तक भी अपने शरीर से अपने शिकार को जकड़े रहते थे जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटनोबोआ अपना ज्यादातर समय पानी में गुजारा करते थे, और वे भी एक शक्तिशाली स्विमर थे, लेकिन इनकी तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि मेगालोडॉन की रफ्तार के आधे के भी बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि रफ्तार के मामले में मेगालोडॉन टाइटनोबोआ से कहीं आगे होता। टाइटनोबोआ बड़े बड़े कछुओं और मगरमच्छों को अपना शिकार बनाए करते थे, तो सवाल यह है कि अगर टाइटनोबोआ बड़े मगरमच्छों को मार सकता था तो मेगालोडॉन को क्यों नहीं? अगर टाइटनोबोआ को एक मेगालोडॉन को मारना है तो उसे सबसे पहले किसी तरह से मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटनोबोआ एक सांप था, और हर एक सांप की तरह वे अपने शिकार को सिर्फ घुटन से ही मार सकता था। लेकिन उसके लिए मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना एकदम नामुमकिन सा था, क्योंकि जहां टाइटनोबोआ 42 फीट के थे, वही मेगालोडॉन 60 से 70 फीट के हुआ करते थे, और वजन करीब 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो कि टाइटनोबोआ के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। जिसका मतलब है कि अगर टाइटनोबोआ किसी तरह से मेगालोडॉन को जकड़ भी ले, फिर भी उसे जान से नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए इस जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटनोबोआ की लंबाई उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता, क्योंकि टाइटनोबोआ बहुत विशाल सांप थे, जिसका मतलब है कि मेगालोडॉन के लिए टाइटनोबोआ को शिकार बनाना और भी आसान हो जाता, क्योंकि मेगालोडॉन टाइटनोबोआ को कहीं से भी पकड़ सकता था, और टाइटनोबोआ ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेगालोडॉन का बाइट फोर्स करीब 8 मैट्रिक टन का था, यानी कि अगर एक बार मेगालोडॉन ने टाइटनोबोआ को अपने जबड़ों से पकड़ लिया तो वे कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और पूरे टाइटनोबोआ के शरीर को भोजन बनाने के बाद भी मेगालोडॉन का पेट नहीं भरेगा। इन सभी बातों से यह साफ है कि टाइटनोबोआ का मेगालोडॉन के सामने टिकने का कोई चांस नहीं, और बिना सवाल के मेगालोडॉन ही इस लड़ाई का विजेता होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस लड़ाई में कौन जीतता? अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।